इकडला सिस्टम खूप छान आहे. आम्हाला असं वाटलं होतं की आम्ही नवीन असल्यामुळं आम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम येईल वाटलं होतं. या ठिकाणी आल्यानंतर कोणत्याच गोष्टीची अडचण आलेली नाही. राहण्या खाण्यापिण्या कोणती दिक्कत आली भाई साहेब? काहीच नाही. राहण्याची खाण्याची किंवा फिरण्याची कोणत्याच गोष्टीची अडचण आलेली नाही. रेट मध्ये एकदम छान आहे. अच्छा, तो कितने कितने के लिए दोनों भैंसा भी आई है? ये कितने का लिया आपने? ये 1,05,000 की है. 1,05,000 रुपए की. और वो वाली? ये 1,00,000 की. ये 1,00,000 रुपए के लिए है. दूध के क्या देखा भाई साहब इनमें? दूध 14 लीटर है. अच्छा, और इसके साथ वाली का? 18 लीटर दूध. सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार. आज एक बार फिर से महाराष्ट्र से भाई साहब आए हुए हैं. मुखेड़ इनकी तालुका है, नांदेड़ में पड़ेगी जी. तो सामने आओ भाई साहब एक बार. तो नाम क्या भाई साहब अपना? गोविंद रामचंद्र मलेलवाड. और कौन सी जगह महाराष्ट्र में अपनी? महाराष्ट्र मुखेड़ तालुका में बिन्नाल. बिन्नाल गाँव का नाम अपने? गाँव का नाम बिन्नाल. कितनी भैंसे ली जा रही फिर हम सब ने? 5 भैंस. कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 2 दिन हो गए. 2 दिन में 5 भैंसे ली. कैसी लगी भाई साहब भैंस आपको? चांगली चाहिए, एकदम नंबर ही. कोई धोखाधड़ी हुई हो आपके साथ? नहीं, नहीं, कोई जोर जबरदस्ती करी हो? नहीं, जैसी आप सोच के आए थे वैसी मिली या नहीं मिली आपको? अच्छा, और जैसे आप दिल्ली आए, दिल्ली से हिसार पहुंचे, तो कोई दिक्कत हुई रस्ते में भाई साहब? और राज डेयरी फार्म के बारे में क्या कहना चाहोगे जो आपके महाराष्ट्र के भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको? थोड़ी आपकी जो मराठी भाषा है, कैसा इधर का सिस्टम है? इकडला सिस्टम खूप छान आहे. आम्हाला असं वाटलं होतं की आम्ही नवीन असल्यामुळं आम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम येईल वाटलं होतं. या ठिकाणी आल्यानंतर कोणत्याच गोष्टीची अडचण आलेली नाही. राहण्या खाण्यापिण्या कोणती दिक्कत आली भाई साहेब? काहीच नाही. राहण्याची खाण्याची किंवा फिरण्याची कोणत्याच गोष्टीची अडचण आलेली नाही. और आपके जो महाराष्ट्र के भाई है हरियाणा में आने के डरते बहुत है, पता नहीं हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगी कुछ? नाही नाही, जबरदस्ती नाही, काहीच. अच्छा, जो पसंद आई आपल्या मनासारखं झाले सर्व. तो लगभग कितनी भैंसे देखी होगी घूम फिर के आपने? जवळपास आम्ही 100 म्हशी बघितल्या. 100 भैंस देखी होगी, उसमें से 5 भैंस ली. तो रेट के हिसाब से कैसी लगी भाई साहब? रेट मध्ये एकदम छान आहे. अच्छा, तो कितने कितने के लिए दोनों भैंस अभी आई है? ये कितने का लिया आपने? 1,05,000 की है. 1,05,000 रुपए की. और वो वाली? 1,00,000 की. ये 1,00,000 रुपए के लिए है. दूध क्या क्या देखा भाई साहब इनमें? दूध 14 लीटर है. अच्छा, और इसके साथ वाली का? 18 लीटर दूध है. देखें जी, अभी तैयार नहीं है, जिस हिसाब से मालिक ने बताया ना उसी हिसाब से भाई साहब बता रहे हैं. अभी 11-12 लीटर दूध तो इस भैंस में तैयार है जी, लेकिन उम्मीद अच्छी है भैंस से. ले जी सामने दुनिया, सामने दीजिए भैंस को. तो अभी गाड़ी से उतारी है जी भैंस, किसान के घर से आई है. बिल्कुल मोटी तगड़ी भैंस है जी, तीसरे ब्याह की दोनों. 1,05,000 की ये भैंस ली है और 1,00,000 रुपये की ये ली है जी. और ये भाई साहब भी आए हुए अपने महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये बीड से. इनकी भी 5 भैंसें हुई अभी, 2 भैंस तो ये आ गई इनकी और एक ये भैंस ली है. ये कितने का लिया भाई साहब आपने? 1,17,000 जी. अभी तैयार दूध कितना इसमें? 8-8 लीटर अभी तैयार है बिल्कुल. ये देखिए जी, 9-10 दिन की ब्याई है, 16 लीटर दूध तैयार है. अभी दूध निकल गया जी, क्योंकि इनकी जो गाड़ी है वो भी आई हुई है, तो थोड़ी देर में लोडिंग करेंगे. और एक भैंस भी आने लग रही है आपकी, और एक उस साइड बंधी हुई है, तो वो भी दिखा रहे हैं अभी. और इसके अलावा अपने पास ये बीड, 5 भैंस ऑनलाइन जाएगी. भाई साहब ने 4 भैंसें खरीद ली है, 1 भैंस और उनकी भी करेंगे. तो एक ये ली है, ये दूसरे ब्यांत की है जी, अभी परसों की ब्याई है जी, चिक से लगभग खाली है. और ये बच्चा जी इसका, ये कितना दूध निकाल देगी भाई साहब जिस हिसाब से मालिक ने बताया? देखो मालकानी सांगितली 14 लीटर. हाँ हाँ, आम्ही 5-5 लीटर काढलेले. अच्छा, 5-5 लीटर. तो कोई फसवा फसी वाला काम हुआ आपके साथ में भाई साहब? तो आपके लड़के भी आए साथ में, तो नया बिजनेस शुरू कर रहे हो भाई साहब? नया बिजनेस. तो पहले कितनी भैंस अपने पास घर पे? पहले 5 भैंस, अभी 3 भैंस. 3 भैंस है और है. तो जैसे हम सूखा चारा डालते हैं ज्यादा भैंसों को, तो आपके इधर थोड़ा हरा चारा बहुत डालते हैं. तो जिस हिसाब से आपने घूम फिर के देखा उसी हिसाब से भैंसों को ले जाके सेट करो भाई साहब, ठीक है ना? तो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी गाड़ी आई हुई, लोडिंग करेंगे. तो देखें जी, राज डेयरी फार्म, गांव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में ये भाई साहब पहुंचे हैं. और ये भाई साहब अभी पूना से भी आए हुए हैं अपने पास में. तो इनकी अभी 4 भैंस हो गई है, 1 भैंस की और कमी है. और 14 फिट की इनकी गाड़ी आई है, देखें. और ये देखें जी, ये भाई साहब खुद की गाड़ी लेके आए हुए हैं, पूना से हैं. इनकी वीडियो भी लेके आएंगे जिस टाइम पे. और ये इनकी गाड़ी आ गई है, मिट्टी माटी डाल के बिल्कुल. और रस्ते में खाने पीने का सामान है रख दिया है. पहला स्टॉपेज रहेगा किशनगढ़, रतलाम से मालेगांव,
और मालेगांव से होके गाड़ी निकलेगी। तो ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट कैसा लगा भाई साहब? ट्रांसपोर्ट तो पूर्ण जैसा बढ़िया कहा मैंने बिल्कुल। और मैट कितने लिए आपने? छः मैट के लिए हैं। तो देखिए दे भैंसों के लिए गद्दे भी लिए भाई साहब ने, और रस्ते में खाने पीने का सामान सब कुछ, सरकी हरभरा चुन्नी गुड़ मेडिसिन सब कुछ सामान दिया जी गाड़ी में। तो ये भाई साहब आए अपने पास में, छोटी सी मुलाकात कराई इनसे, कैसी लगी? और कमेंट में देखने वाले भाई ज़रूर बताएं जी वीडियो कैसी लगी। और गांव से बाहर अपना फार्म है जी, देखें राजदेरी फार्म का जो बोर्ड है, और पूरी वीडियो में जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई तालुका नहीं जहाँ पे राजदेरी फार्म से भैंसें न गई हों। तो ठीक है जी, महाराष्ट्र में कोल्हापुर सोलापुर सांगली कराड़ पूना नासिक नांदेड़ कहीं से भी हो अच्छी भैंस लेने के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सभी साथियों को राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल।